हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम अपना जो सेकंड चैप्टर चल रहा था हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो हम आज ख़त्म कर देंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम आइसोटॉप्स, आइसोबार्स और इन चीज़ों को आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटॉन्स की हमने व्याख्या की थी, वहाँ पर देखा था, डिस्क्राइब किया था हमने कि कैसे काम करते हैं। आज मैं सिंपली इस चैप्टर की समरी लेने वाला हूँ। ठीक है, और यहीं पर ये चैप्टर एंड होगा। सबसे पहले इस चैप्टर में आपने जो पढ़ा था वो था इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एनोड बेस, कैनोड बेस के बारे में पढ़ा था। तो पहला टॉपिक हमारा था एनोड बेस, उसके बाद हम बात करते थे कैथोड बेस। एनोड बेस, कैथोड बेस के बारे में हमने पढ़ा, हमने देखी डिस्कवरी। ठीक है, अगर मैं इसी से लिंक करता हूँ तो डिस्कवरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, हमने डिस्कवरीज देखी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की और प्रोटॉन्स की। इसके बाद हमने डिस्कवरी देखी न्यूट्रॉन की, जो कि थोड़ी अलग थी, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स कवर किए। बेसिक पॉइंट्स जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि स्टार्टिंग में नाइन्थ में आपने पढ़ लिए थे, लेकिन यहाँ पर उनका रिवीजन है। जैसे वैलेंसी क्या होती है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़े। ठीक है, अब इस चैप्टर में फिर हमने स्टार्ट किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर की, एटम की संरचना होती कैसी है। स्ट्रक्चर एटम का अगर हम निकालना चाहें तो वो स्ट्रक्चर होता कैसा है, ये हमने देखा था। तो सबसे पहले हमने देखा कि कौन से साइंटिस्ट आए थे, जे.जे. थॉम्सन नाम के साइंटिस्ट आए थे। जे.जे. थॉम्सन ने क्या किया था वहाँ पर, सिंपली एक मैं ब्रीफ दे देता हूँ उसका, कि जे.जे. थॉम्सन जब आए थे तो उन्होंने बोला था कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल एक पुडिंग के जैसा होता है, या फिर एक वाटर मेलन के जैसा होता है। ठीक है, एक पुडिंग या वाटर मेलन से उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया था स्ट्रक्चर को। और उन्होंने बोला कि जैसे कि एक पुडिंग के अंदर ड्राई फ्रूट्स बहुत सारे लगे हुए रहते हैं, ड्राई फ्रूट्स बहुत सारे फंसे हुए रहते हैं, आर एम्बेडेड ऑन इट, वैसे ही अगर हम बात करते हैं किसी एटम की तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इसी तरीके से फंसे हुए होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर इसी तरीके से लगे हुए होते हैं। जे.जे. थॉम्सन ने थोड़ा इसको और डिस्क्राइब करते हुए बोला था कि जितना यहाँ पर अगर मैं पुडिंग की बात करता हूँ तो ये जिस तरीके से अगर पुडिंग की हम बात कर रहे हैं तो पुडिंग अगर पॉजिटिव चार्ज से बनी है, धन आवेश से बनी है, तो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे क्या हैं, ऋण आवेश हैं। और जितने धन आवेश हैं उतने ही ऋण आवेश हैं, मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही क्या हैं यहाँ पर, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। हमें पता है पॉजिटिव चार्ज को हम प्रोटॉन्स बोलते हैं और नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, प्रोटॉन्स आर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स। इसी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्टेबल होता है। उनका रीजन यहाँ पर बोलने का ये था कि जो यहाँ पर प्रोटॉन्स है उसके बराबर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी वजह से जो हमारा एटम है वो क्या है, स्टेबल फॉर्मेशन में है, स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट है। इस मैटर इसके बाद हमारे पास जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए बताया था कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। और वो साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक गोल्ड फॉइल के साथ एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें रेज उससे क्रॉस कर रही थी, कुछ उससे बड़ा एंगल बनाते हुए निकल रही थी, कुछ उससे छोटा एंगल बनाते हुए निकल रही थी। तो इसी तरीके के एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए थे, जैसे कि उन्होंने बोला था कि एटम जो होता है उसके सेंटर पर एक पॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसी के आसपास चक्कर लगाते हैं, इसी के आसपास जो ऑर्बिट होती है उसी में क्या करते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन से चक्कर लगाते हैं। तो अगर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है तो वो कुछ इस तरीके से इसके आसपास क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे। अब अगर इसमें हम ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो ड्रॉबैक्स क्या है, तो उन्होंने बोला था कि यहाँ पर ऑर्बिट जो है उनकी फिक्स है, मतलब सिंपली जो ऑर्बिट है अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं तो क्यों वो आपस में एक दूसरे के नहीं टकराते, ये पहला क्वेश्चन है जिसको रदरफोर्ड डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे। दूसरा क्वेश्चन ये कि जब ये कभी भी कोई भी पार्टिकल की अगर हम बात करते हैं, कोई भी पार्टिकल अगर राउंड एक्सेल सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, सर्कुलर एक्सेलरेशन कर रहा होता है, तो एनर्जी उसमें रेडिएट होती है जिससे वो धीरे धीरे कहाँ जाता जाता है, बीच में जाता जाता है, मतलब जहाँ पर भी मास उसका लाइक कर रहा है वहाँ पर वो क्या करता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं कि रोटेट होते हुए धीरे धीरे क्या करेगा, इसके सेंटर पर जाने लगेगा। अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर उस कंडीशन
पर न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा जाएंगे, जिससे कि एक बड़ा एक्सप्लोजन भी हो सकता है। तो इस तरीके की कंडीशन अभी तक हमने क्यों नहीं देखी, क्योंकि हमारा जितना भी हमने देखा है एटम को एग्जामिन किया है, या फिर मैंने आपको बताया था कि एटम हमारा पूरा वर्ल्ड ही किससे मिलकर बना है, एटम से। तो अगर ऐसा हो रहा होता तो एटम कभी भी स्टेबल फॉर्म में नहीं होता, अगर उससे इलेक्ट्रॉन्स टकराते तो वो स्टेबल फॉर्म में कभी रह ही नहीं पाता। इसी वजह से हमने यहाँ पर देखा कि ये वाला पॉइंट भी हो सकता है कि थोड़ा इसमें गड़बड़ हो, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से ट्रैवल करते हैं तो वो जरूर ही किसी दिन जाकर न्यूट्रॉन से, मतलब सिंपली बात करते हैं न्यूक्लियस से, नाभिक से उसमें टकरा जाएंगे, और नाभिक से अगर कोई इलेक्ट्रॉन टकरा जाता है तो नाभिक के अंदर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। जब भी वो नाभिक से टकराएगा तो वहां पर क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि परमाणु हमेशा कैसा रहता है, विराम अवस्था में रहता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है। इसके बाद बोहर नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या बोला कि ये बात सही है कि जो एटम होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन ये जो न्यूक्लियस है ये तो ठीक है, लेकिन इसके आसपास कुछ एनर्जी लेवल्स बने हुए होते हैं। क्या बने होते हैं, एनर्जी लेवल्स बने होते हैं, इन्हीं को हम ऑर्बिट बोल सकते हैं, इन्हीं को हम क्लास बोल सकते हैं, ठीक है। अब यही ऑर्बिट जो होती है ये फिक्स होती है, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होते, मतलब इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स का रिवॉल्यूशन होगा, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स में और वो रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो हमेशा क्या होंगे, यहाँ पर सेम होंगे, ठीक है। मतलब ये ना ही ऑर्बिट, ये ऑर्बिट क्या फिक्स है, तो ना इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ आएंगे, मतलब इनका क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिक्स है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी ऑर्बिट में अगर हम निकालना चाहेंगे तो हम 2n स्क्वायर वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, यहाँ पर हर एक ऑर्बिट की में n की वैल्यू दी हुई है, n = 2, n = 3, इसी तरीके से आगे आगे अगर आती जाएगी तो हमें n की वैल्यू वहां पर गिवन है। तो ये भी हमने पढ़ा कि यहाँ पर 2n स्क्वायर नाम का एक फॉर्मूला होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। कुछ रूल्स भी उन्होंने इसके इसको लेकर बताया, जैसे कि पहला रूल ये था कि हर एक ऑर्बिट में एक लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और पहली क्लास मतलब n = 1 वाली जो क्लास है, k वाली जो क्लास है, जब वो भरा जाएगी, ठीक है, वो फुलफिल हो जाएगी, तो ही आप दूसरी क्लास में एंटर कर पाओगे, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें मानना होगा, अगर हम मानते हैं तो ही इस कंडीशन में एटम जो है वो स्टेबल कंडीशन में रहेगा। उन्होंने बोला कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं बोलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, ये सब हम पढ़ चुके थे। बोहर का एटॉमिक मॉडल क्या है ये भी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया था, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल और उनका एक्सपेरिमेंट क्या है वो भी हम पढ़ चुके थे। तो इस चैप्टर का जो ओवरऑल फिनोमेना है, कुछ लॉस को मैंने छुड़वाया है, ठीक है, क्योंकि अभी वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, तो वो वाले अभी हमें नहीं करना है। अब अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों की आवर्तिता। मतलब सिंपली तो आपने 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था 5th नंबर का, जिसमें पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स था, सॉरी पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स था, तो वो वाला जो चैप्टर था उसी का एडवांस फॉर्म हम थोड़ा सा बोल सकते हैं कि ये वाला चैप्टर है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम 3rd चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, इसकी थ्योरीज जो दी हुई है वो आप पढ़ लेना एक बार 10th का जो है उसको रिवाइज कर लेना, जिससे कि ज़्यादा आसानी होगी इस चैप्टर को समझने में, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं 3rd चैप्टर। आपका जो टेस्ट होने वाला है 28th of September से, तो उसमें आपका 1st चैप्टर और 2nd चैप्टर आएगा, ठीक है, सम बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड 2nd चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका आने वाला है, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स ही क्वेश्चन बनेंगे, सिंपल सा पेपर है, आपको ऑब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ना है उसके, ठीक है। बुक में जो ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं और नॉर्मली आपकी परीक्षा बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं उनको आपको पढ़ना है, उन्हीं में से कहीं पेपर बनने वाला है। कुछ एक क्वेश्चंस भी मैंने डाले हैं, जैसे कि 1 वर्ड में होंगे वो, या फिर 2-3 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, तो उनको भी आपको एक बार प्रिपेयर करना है फर्स्ट से, मतलब जब से स्टार्ट हुई केमिस्ट्री क्लास एक बार आप वीडियोज़ उसको देख लेना, उन्हीं वीडियोज़ में से ही कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। थैंक यू।